नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राजनांदगांव में सभा के दौरान पीएम मोदी के लिए कहा था कि उनके खिलाफ लाठी पकड़ने वाला, सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। ऐसा भूपेश बघेल कर सकते हैं या फिर देवेंद्र यादव हो सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कल जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री के बारे में बोला है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम ये कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री को अन्य तरीकों से गाली दी गई थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। सीएम साय ने कहा कि मैं भी मोदी का परिवार का हूं, पहला डंडा मुझे मारे। आज महासमुंद जा रहे हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी जा रहे हैं, हमारे साजा के विधायक श्री ईश्वर साहू जी भी जा रहे हैं और आज श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी का नॉमिनेशन फाइल कराना है। लेकिन एक चीज का बड़ा दुख भी है कि कल जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि उनको लाठी मारने वाला व्यक्ति आपका ही सांसद होगा, ऐसा कल राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। 2014 में मैं भी था पार्लियामेंट में, देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी दरिया दिली दिखाकर श्री खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे और इस बार यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ और पहला डंडा मुझे मारे। इस बार और इस बार